धनबाद जिले के बीसीसीएल वर्कशॉप खदान में आए दिन अपराधियों द्वारा धाबा बोलकर लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। 19 फरवरी को बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत मधुबन कोलवासरी में 15 से 20 की संख्या में आए अपराधियों द्वारा सुरक्षा परिहारों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। मधुबन कोलवासरी के 301 यूनिट के 17 पीस काउंटर को लूट लिया गया। मामले को लेकर वाशी परियोजना पदाधिकारी सुमन कुमार लिखित शिकायत बाघमारा थाना में अज्ञात विरुद्ध दर्ज करवाया था। लूट मामले को लेकर बाघमारा पुलिस अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर 4 अपराधियों को हिरासत में लिया था। मामले की पूछताछ करने पर सभी ने लूट की घटना को स्वीकार किया है। 2 अपराधियों को माटीगढ़ से हिरासत में लिया गया, वहीं 2 अन्य को हिरासत में लिए अपराधी के निशानदेही पर पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम मधुबन कोलवासरी में इन पकड़े गए अपराधियों ने दिया था। गुप्त सूचना के आधार पर पहले अजीत चौहान तथा अशोक चौहान को हिरासत में लिया गया। इन दोनों के निशानदेही पर बंटी तुरी विकास कुमार को पकड़ा गया। लूटे गए 6 काउंटर को बरामद कर लिया गया है। अन्य 6 लोग अभी भी घटना को अंजाम देने वाले फरार हैं। सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। पहला नंबर तो अभी जो अभी गिरफ्तारी हुआ 19 तारीख को वासरी में, मतलब 19 तारीख के सुबह में 18-19 तारीख को चोरी हुआ था। इसका सूचना 19 तारीख को वासरी के पीओ के द्वारा दिया गया था, जिसमें कांड दर्ज किया गया था भगवान थाना में। उसी कांड दर्ज होने के बाद मतलब गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया था कुछ लोगों को, जिसमें से दो आदमी को गिरफ्तारी जो हुआ था वो अपना स्वीकारोक्ति बयान में अपराध को स्वीकार किए हैं। उसी के आधार में 2 और लोगों को पकड़ के मतलब आज जेल भेजा जा रहा है और कुछ सामान का बरामद हुआ है उसमें, इसके आधार पर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कुल 4 आदमी अभी तक गिरफ्तार हुआ है और 6 का नाम और है और कुछ आदमी का नाम इन लोग नहीं जान रहे हैं। इतिहास के बारे में अभी जांच चल रहा है, जांच करने के बाद बता दिया जाएगा। इन लोग का माटीगढ़ा से पकड़ा गया है, इन लोगों का जो भी सारा जो भी माटीगढ़ा डैम को निकाल रहे हैं सब।